फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है पंजाब के चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ शहर में आज शनिवार शाम भीषण हादसा हो गया। शहर के सेक्टर 32 डी में एक मकान में चलाए जा रहे गर्ल्स पीजी में आग लग गई। इसमें 3 लड़कियां जिंदा जल गई जबकि 2 लड़कियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं एक लड़की ने पहली मंजिल में स्थित इस पेइंग गेस्ट हाउस की छत से कूदकर अपनी जान बचाई, वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में मारी गई लड़कियों की पहचान रिया, पंछी और मुस्कान के तौर पर हुई है। इनमें से 2 पंजाब और 1 हरियाणा की रहने वाली थी। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पीजी में लोगों ने अचानक धुआं उठता देखा तो इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम व पुलिस पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। अंदर जाकर देखा तो 5 लड़कियां बुरी तरह झुलसी हुई अवस्था में पड़ी थी। उन्हें GMCH 32 अस्पताल में ले जाया गया है, जहां 3 लड़कियों की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि 2 अन्य लड़कियों की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वाली लड़कियां मुस्कान हरियाणा के हिसार, रिया पंजाब के कपूरथला और पंछी पंजाब के कोटकपूरा की रहने वाली थी। लड़कियों की उम्र 18 से 22 साल के बीच की बताई जा रही है। पंछी व मुस्कान ST कॉलेज में MCOM की छात्रा थी। आग कैसे लगी अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि पीजी रजिस्टर नहीं है, यह अवैध रूप से पीजी चलाया जा रहा था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।